हारिस टीवी के प्यारे दोस्तों, एक ताज़ा खबर है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कॉल पर तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में रैलियाँ निकाली जा रही है, जबकि रैलियों को रोकने के लिए पुलिस भी भरपूर तरीके से एक्शन में नज़र आ रही है। ये खबर अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर, कराची, पेशावर, रावलपिंडी और पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में बड़ी बड़ी रैलियाँ निकाली गई है। ताहम पुलिस ने क्रैक डाउन करते हुए मुतअद्दिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। कराची में तहरीक इंसाफ ने क्लिफ्टन में रैलियाँ निकाली, जहां पुलिस ने 50 से ज़ायद कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। ये बात याद रखा जाए कि तहरीक इंसाफ के ऊपर रास्ते तंग कर दिए गए हैं और ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक हुकूमत के जो वकील है उसने कहा है कि इमरान खान को हम कोशिश कर रहे हैं कि 14 साल कैद या फांसी का सजा दिलवाए। पंजाब के बड़े शहर रावलपिंडी में रैली निकाली गई, जो NH56 से डोकरत्ता होते हुए सैदपुर रोड पर अख्तितम पजीर हुई। पेशावर में भी रैली निकाली गई है, ताहम पुलिस ने रैली को रिंग रोड पर रोक दिया है। इस मौके पर पुलिस और पीटीआई के कारकुनों में हाथापाई भी हुई है। पुलिस ने कई पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि पीटीआई कारकुनों ने रैली के लिए NOC नहीं लिया, जिसके बगैर जो भी रोड पे आएगा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।